स्टूडेंट, अगर आप 2019 में यानी कि इसी साल अगर आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आयुष मिनिस्ट्री ने आयुष कोर्सेज की जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है 2019 में, उसको लेकर एक नया अपडेट जारी किया है, नया नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आगे मेरा जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप जितने भी आपकी ज़रूरत की जानकारियां हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, एम्स से रिलेटेड, वो सभी के सभी आपको मिलती रहेंगी। तो वो नया क्या नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो अपडेट आया है वो आपको आयुष की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। आयुष मिनिस्ट्री की जब वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक रिमाइंडर जारी किया गया है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। हुआ क्या था, हुआ ये था कि कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बोला गया था कि 2019 में 15% जो आपका ऑल इंडिया कोटा होता है, जैसे कि आपका MBBS और BDS के ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन होते हैं, ऐसी ही तैयारी आपकी आयुष कोर्सेज के लिए भी की जा रही है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, यानी कि ऑल इंडिया 15% कोटा जो आपका होता है उसके थ्रू आयुष कोर्सेज की भी काउंसलिंग अब कराई जाएगी और ये रिमाइंडर जो है उसी से रिलेटेड है। सभी जो आपके स्टेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज आपके आयुष कोर्सेज के और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आपके आयुष कोर्सेज चलते हैं, उन सभी को एक लेटर भेजा गया था जिसमें बोला गया था कि वो 15% सीटें अपनी बता दें कि उनके कॉलेज में कितनी सीटें हैं, जिससे कि उनकी जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है उनकी 15% सीटों पर कराई जाए। लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने ये चीज़ें उस लेटर का जवाब नहीं दिया था। आयुष मिनिस्ट्री ने इसी को लेकर एक रिमाइंडर जारी किया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस साल आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की तैयारी चल रही है और वो हो भी सकती है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको कन्फर्म न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन अभी रिमाइंडर जारी किया गया है उन सभी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं आयुष कोर्सेज में काउंसलिंग कराना तो आप रेगुलरली विजिट करिए आपकी आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको अगर 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग होती है तो उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो यहाँ पर ही आएगा और उसके थ्रू आप अगर कराना चाहते हैं तो आप आसानी से क्या आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा, क्या रजिस्ट्रेशन का होगा, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप मुझसे जुड़े रहिए, जैसे ही कोई जानकारी आती है मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर अपडेट यहाँ पर करा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपके एक आसानी से आपका पता चल जाएगा कि अगर काउंसलिंग होती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट यहाँ पर कर पाएंगे ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू, ठीक है ना। फिलहाल ये रिमाइंडर आया है तो ये तो पक्का हो गया है कि यहाँ पर 2019 में पक्का है कि आपका 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अब BAMS, BHMS और BUMS की काउंसलिंग आपकी होने जा रही है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर रिमाइंडर लिखा हुआ होगा आपका UG और आपके PG कोर्सेज के लिए, दोनों की ही काउंसलिंग के रिलेटेड ये रिमाइंडर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड करिए और अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। साथ ही आप एक काम और यहाँ पर कर सकते हैं कि पिछली साल 2018 की अगर बात की जाए तो जिन वेबसाइट पर आपकी स्टेट की आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग हुई है उन वेबसाइट पर आप रेगुलरली विजिट करते रहिए, कोई अगर इन्फॉर्मेशन आती है रजिस्ट्रेशन को लेकर तो आपको वहाँ से अपडेट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो, किसी और तरीके की जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे ही मुझे समय मिलेगा तुरंत आपके सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।